लुधियाना च एक सहपाठी वालों बच्ची की अख दे विच पेंसिल मार दी गई जिस दे नाल उसकी अख की रोशनी चले गई ते स्कूल की अणगहली के खिलाफ परिवारक मैंबरों के वलों रोस प्रदर्शन किया गया। मामला लुधियाना पुलिस लाइन स्थित एक स्कूल का है जिथे कि पहली जमात की विद्यार्थिन शनाया की अध्यापका ने उसके मापियां नूं फोन करके सूचना दी कि बच्ची की अख विच उंगल वज गई है तो वह आके बच्ची नूं लै जाण। जिस तो बाद मापे बच्ची नूं घर ले आए तो कुछ ही देर बाद बच्ची ने कुछ दिखाई ना देण दी शिकायत की। परिवारक मैंबर जो बच्ची नूं डॉक्टर दे कोल लैके गए तो पता चलिया कि बच्ची की अख की पुतली फट गई है। इस संबंधी जदों स्कूल प्रबंधकों नाल गल की गई तो उन्होंने गल सुन तो भी पासा वटिया जिस दे रोस विच आके परिवारक मैंबर ने स्कूल के बाहर धरना लगा लिया। परिवारक मैंबर के नाल श्री हिंदू तख्त पंजाब के मुख सूबा प्रचारक वरुण मेहता ने स्थानक पुलिस डीएवी स्कूल के बाहर शांतमई धरना लगाया जिस तों बाद मौके पर पहुंचे एसीपी अशोक कुमार ने धरना शांत करवाया तो उत्थे ही बच्ची के परिवारक मैंबर के आधार पर मामला दर्ज करने का आश्वासन भी दिता। मेरी बेटी कल स्कूल आई सी तो 10 बजे मैडम का फोन आया कि वो हाथ लगा वा आइस दे विच ते तू असी ना डॉक्टर को चैक करवा लिया कि मतलब ठीक है जे तुसी आइस वाले डॉक्टर नू चैक करवाना तो तुसी करवा लो चैक। तो मैं कहा हाथ वजा कोई दिक्कत वाली गल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हाथ ही वजा वा। जदों बच्चे नू पहले समझा दिता गया सी मैडम ने कि पेंसिल वजी है मतलब जो भी बच्चे नूं कहा उन्होंने कि पेंसिल वजी है तेरे कि तू घर जाके यही कहना कि मतलब पेंसिल नहीं मेरे हाथ वजे कि मतलब बच्चे का हाथ वजे तो जे तू कहेंगी तो तेरे मम्मी पापा साढ़े नाल लड़न आ जाएंगे। ठीक है जी। उस तो बाद बच्चे नूं ये भी कहा गया कि घर जाके तू सो जी तेरी अख ठीक हो जाएगी। बच्चा घर आंदे ही 11 बजे सो गया 1:30 बजे उठाया वै 1:30 बजे मेरी वाइफ का फोन आया मैंने कहा उन्हें कि बच कि प्रॉब्लम चाह रही अख थोड़ी पानी ज़्यादा निकल रहा कि मैं क्या उन्होंने कहा मैं क्या फटाफट चो चैक करवा ला आइज़ वाले डॉक्टर नूं कि जो असी आइज़ वाले डॉक्टर को गए हैं वो कहता जी तुम थोड़ी बहुत दो ढाई घंटे 3 घंटे तुम लेट हो गए हो। ठीक है जी। तो यह ऑपरेट होना यदि पुतली फट चुकी अख की यदि रोशनी जा चुकी है इनू दिख नहीं रहा राइट आई चो इनू दिख नहीं रहा कुछ भी वह ऑपरेट होया कल 5 बजे ऑपरेट होया वै तो 2 घंटे ऑपरेट होया वह जदों आप सवेरे मतलब जो मैडम का फोन आया सी उदों ही मैडम मैंने दस देंगे कि ये अख से पेंसिल लगी है तो मैं उन्होंने उस टाइम होस्पिटल लैके जा सकता सी या स्कूल प्रशासन भी उन्होंने होस्पिटल ले जा सकता सी उसी टाइम ते बच्चे नू चंगी ट्रीटमेंट मिल जाती वो अख की रोशनी जो भी सिक्सी जो भी रही रही पर बच्चा तो मतलब हो जाता ना बहुत गलत दी है जी। मेरे को रिकॉर्डिंग भी है इस चीज़ की कि ये बच्चे के हाथ वजे वै वो जो टाइम आएगा वो मैं तुम्हें सारे ना शेयर भी कर दूंगा। बड़ी दुख की गल है कि जिते स्कूल असी सिक्ख्या के मंदिर के वजो कहने तो जोड़ा शिक्षक है उन्होंने गुरु के रूप से कहने भी एक गुरु है जिन्हें चंगा नागरिक बनाना है पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गल है तो बेशर्मी वाली गल है कि लुधियाना के पुलिस डीएवी की मैनेजमेंट ने वो शर्मनाक हरकत की। कल पहली गल तो जो शरद जी को फोन किया जा रहा कहते भी थोड़े बच्चे की किसी का हाथ वज गया वा जे दोपहर में जो हॉस्पिटल गए है हॉस्पिटल ने कहा भी तुम 2 घंटे पहले आ जाते तो बच्चे की अख बच सकती थी। जे स्कूल मैनेजमेंट सवेरे ही कह दें तो भी जी बच्चे की अख च पेंसिल वजी हॉस्पिटल जाते तो शायद बच्चे की जिंदगी और अख की रोशनी बच सकती सी। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तो हटे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने घर बैठे 11 मिनटा च 101% गारंटी नाल समाधान वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बार होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चंदबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई जुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435-0321।